जय महाकाल, जय गुरुदेव। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोज की। जी हाँ, और उस पोज को कहा जाता है चाइल्ड पोज, रैबिट पोज भी कहते हैं, शिशु आसन, बाल पोज। हमने देखा है कि हमारे शरीर में कभी कभी न चाहते हुए भी मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है, और उस एंजाइटी और उस फियर को, तनाव को पूरा शरीर महसूस करता है। उसके वजह से आपके बैक में थोड़ा तकलीफ हो जाती है, कंधे शोल्डर्स में थोड़े तनाव आ जाते हैं, गर्दन की तरफ तनाव आ जाता है, और मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो शिशु आसन या चाइल्ड पोज अगर आप करते हो, रैबिट पोज भी जिसे कहते हैं, तो उससे तनाव से बहुत ही कोसों दूर आप पाओगे अपने आप को। मन बहुत ही शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। एंजाइटी, जो घबराहट शरीर के अंदर होती है किसी भी समस्या की वजह से, जो मन थोड़ा विचलित होता है, तो उसकी वजह से अगर आप चाइल्ड पोज करते हो तो मन भी शांत होता है। ये तो हुआ मन के स्तर की बात। अब शरीर की लेवल में या शारीरिक स्तर पर बात करें तो चाइल्ड पोज या शिशु आसन करने से आपका जो टोर्स है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। जिन्हें कमर की दर्द या पीठ दर्द की हमेशा शिकायत होती है, या अचानक से मसल्स में थोड़े क्रैम्प हो सकते हैं बैक साइड में, तो चाइल्ड पोज से उससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। आपके स्टमक, पेट से रिलेटेड जो इनडाइजेशन है, यानी कि खाना अगर सही ढंग से नहीं पच रहा है, तो भी चाइल्ड पोज बहुत काम आएगा। आईबीएस जो है, आईबीएस एक ऐसी डिजीज है जहां पे कि अगर हम उसको मेडिसिन लेते हैं तो भी उतनी कारगर नहीं होती। उसके लिए सिर्फ प्राणायाम करना होता है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम नाम है, बहुत ही एक शरीर की ऐसी डिजीज को बोल सकते हैं जहाँ पे कि मेडिसिन ज़्यादातर काम नहीं करता है। बहुत मेरे मित्रों को पता होगा जो इस डिजीज से गुजर रहे हैं। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन चाइल्ड पोज एक ऐसा प्राणायाम, एक ऐसा पोज है जहाँ पे कि आपको आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम से भी निजात दिलाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, तनाव खत्म होता है, मन प्रसन्न होता है। देखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, यू आर फीलिंग सम एंजाइटी, तुरंत आप इसे कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो उसमें तो करना ही करना है, बहुत थोड़ा रिलैक्स करता है मन को और शरीर को। तो आइए जानते हैं कि कैसे किया जाता है और इसको किस स्टेप में ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। देखिए, 9 महीना बच्चा अपने माँ के गर्भ में इसी तरह से रहता है और पूरी नरिशमेंट लेता है और आराम से गर्भाशय में, गर्भ में पड़ा रहता है एकदम प्यार से। ठीक उसी प्रकार हम एक शिशु की तरह, एक बच्चे की तरह अपने आप को महसूस करना ये पोज करते हुए। तो आइए सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं। आपको एक मैट बिछा लेना है इस तरह से। अपने शरीर को आप थोड़ा स्ट्रेट रखते हुए अपने हिप्स को एड़ियों पे रख सकते हैं, जैसे कि वज्रासन में है हम लोग। उसके बाद करना क्या है, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ और सांस को छोड़ते हुए आपको अपने सर को इस तरह से जमीन पे रख लेना है। आप देख सकते हो हाथ पूरा यहाँ पे है, थोड़ा हाथों को फैला लेंगे। दोनों हथेलियां आपकी मैट के ऊपर हो गई, माथा मैट के ऊपर, फोरहेड जमीन पे, और अपने स्ट्रेच को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इस पोज में अपने आप को एक बच्चे की तरह
शिशु की तरह समझें, ठीक इसी तरह से बच्चा अपने माँ के गर्भ में, गर्भाशय में रहता है और सांस लेते रहें धीरे धीरे और छोड़ते रहें। जहां तक हो सके मुंह को बंद रख के नाक से, नासिका से सांस लेना है और नासिका से ही छोड़ना है। इस पोज में लगभग 1.5 से 2 मिनट रहेंगे। उसके बाद सर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए राइट हैंड को मुट्ठी बनाएंगे और लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बनाएंगे और फिर से अपने सर को, फोरहेड को इस तरह से एक के ऊपर एक मुट्ठी बनाते हुए राइट को लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट को राइट के नीचे और फोरहेड को, माथे को टिका लेंगे इस तरह से। और पूरी तरह से विश्राम करना है, पूरी तरह से रिलैक्स रखना है बॉडी को, मन को पूरी तरह से शांत रखना है। आप महसूस करोगे ये पोज करते हुए कि पूरी तरह से मन आपका शांत होते जा रहा है। माथे को इस तरह से टिका लग के रखना है और धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिका से सांस लेंगे और दोनों नासिका से सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और इस अवस्था में विश्राम करेंगे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक। आपकी पूरी शरीर की जो थकान है वो दूर होते जाएगी। आपको जो घबराहट, एंजाइटी, फियर महसूस हो रहा था वो खत्म होते जाएगा। और फिर एक तीसरे तरीके से करेंगे, थोड़ा ऊपर आते हुए फिर से माथे को जमीन पे रख के रखेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। दोनों हाथ पीछे की तरफ, हथेलियां छत की तरफ, आसमान की तरफ, माथा जमीन पे और अपने खिंचाव को महसूस करते रहेंगे और इसी अवस्था में विश्राम करेंगे। यहां पे भी सांस आपको धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ए नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट slowly, gradually, just concentrate on your breath. Inhale and exhale. यहाँ पे भी आपको 1.5 से 2 मिनट कम से कम रुकना है। जिस तरह से एक छोटा सा शिशु अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक इस तरह से रहता है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को शिशु की तरह महसूस करें। शरीर का सारा तनाव आपका खत्म होते जाएगा। विश्राम करें और धीरे से सांस लेते हुए आराम से कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षण के लिए दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर, गर्दन सीधी और अपने शरीर को महसूस करेंगे और अपने सांसों को शरीर के साथ, परिसर के साथ महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस अवस्था में भी कम से कम आपको 1.5 से 2 मिनट बैठना है। पूरे शरीर में हो रही संवेदनाओं को महसूस करना है।
शरीर में हो रही तरंगों को महसूस करना है. यू कैन फील सम वाइब्रेशंस इन योर होल बॉडी, पूरे शरीर में. अपनी ऊर्जा को महसूस करते हुए कुछ क्षणों के लिए ठीक इसी तरह बैठेंगे और धीरे से शरीर परिसर वातावरण की तरफ अपने आप को जागृत करते हुए दोनों हथेलियों को आप आपस में घर्षण करते हुए उस एनर्जी को महसूस करते हुए आंखों और पूरे चेहरे के आसपास लगाते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं और आराम से बैठ जाएंगे. देखा आपने, मैं तो आपको एक्सप्लेन करते करते मुझे इतना इस पोज में आनंद मिला कि ऐसा लगा बस थी पोज में अपने आप को स्थिर और शांत ऐसे ही पड़ा रहूं. बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है ये, महत्वपूर्ण प्रक्रिया. जब भी आपके बॉडी में स्ट्रेचेस, स्ट्रेस, तनाव महसूस हो, पीठ में कोई भी दर्द हो, तो आप जरूर किसे कीजिए. तनाव महसूस हो रहा है शरीर के अंदर, घबराहट, एंजाइटी, फियर, तो भी इसे आप कर सकते हो. सिर्फ रिलैक्स करना है और धीरे धीरे सांस लेना है और सांस को धीरे धीरे छोड़ना है मुंह बंद रखते हुए नासिका से. तो इस आसन का भरपूर फायदा उठाइए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है. जिन्हें इरिटेबल बॉल सिंड्रोम आईबीएस की डिजीज है उनके लिए बहुत फायदा है. हमारे बैक के लिए, कमर के लिए बहुत फायदा है. शोल्डर्स, हमारे जो कंधे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सुडोल रखता है, मजबूत रखता है. आपके चेस्ट के यहाँ पे भी जो भी तनाव स्ट्रेस है उसे बहुत अच्छे ढंग से रिलैक्स करता है. थाइस, घुटना और काफ्स के मसल्स को भी बहुत ही रिलैक्स करता है. तो इस आसन का भरपूर फायदा उठाइए और अपने जिंदगी में, अपने जीवन में जो एक शिशु है हमारे अंदर, उसे हमेशा जिंदा रखिए, एक बचपन. तो अपनी जीवन को आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से एंजॉय कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. आफ्टर ऑल हेल्थ इज ए वेल्थ. अपना, अपने पूरे परिवार का, समाज का ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद. मिलते हैं बहुत जल्दी. थैंक यू.